और अगर खाद पर तरस खाकर उसे खाना छोड़ दे तो भूखा न मर जाए। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो शैतान से, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो शैतान से। अरे ये क्या बचाएगा तुझे, इस दुनिया में एक भी ऐसा मर्द नहीं जो तुझे मुझसे बचा सके। अबे जाता है कि नहीं, क्या नाम है तेरा? बादल की गरज और बिजली की चमक मेरा पता बता रही है, सुनाई नहीं देता क्या? मैंने तुझसे तेरा नाम और पता पूछा है, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहा। लगता है साले शहर में नया है, मेरू का नाम यहाँ के बच्चे बच्चे की जबान पर है और तेरा आता पता मैं अभी पूछ लेता। भगवान मेरे लिए पत्थर का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे लिए भगवान एक पत्थर का टुकड़ा है। टाइम इज ओवर, अस्सलाम वालेकुम। बंदे को इब्राहिम घड़ियाली कहते हैं क्या? ये तुम अपने जगराज सेठ की फोटो देख रहे हो, इसमें जन्मदिन की जगह पर जन्म की तारीख लिखे लिए क्या, पर मरण दिन की जगह पर मौत की तारीख लिखनी बाकी है भाई। मौत की तारीख तो तेरी हम लिखेंगे। जियो मेरे पास क्या परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारे लिए, वरना आप उनका तो बैकअप हो गया होता। बैकअप तो इन सालों का होगा, अगर इन्होंने शोभराज का सोना ले जाने से मुझे रोका, टूटे हाथ पैर लेकर ये अपनी बीवियों के पैरों में गिरेंगे। मेरी आत्मी
छिपा सोना कहाँ है? बताता हूँ, उधर। और है? दादा, और कुछ नहीं। ये है इनके सरदार थू की तस्वीर। जेंटलमैन, अभी थोड़ी देर में मेरे आदमी गोडाउन से सोना यानी कि गोल्ड लेकर आते होंगे। सौदे के मुताबिक हम भी अपना रुपया लेकर आ गए हैं। गुड, बस सिर्फ 2 सेकंड का इंतजार, उसके बाद जी भर कर 2 करोड़ रुपए के सोने का दीदार। ये सबके चेहरे पे चाइना का मैप क्यों बना हुआ है? है? ये मेरी तस्वीर कहां से लेकर आए? हमारी ये हालत वीरू ने बनाई, वो हमारा सोना भी लूट कर ले गया। वीरू? और ये तस्वीर उसी ने आपके लिए भेजी है, और साथ में ये भी कहा है कि आपके मरने के बाद ये तस्वीर आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 शर्मो, भांडो, तुम लोगों की वजह से मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अच्छा तो हम चलते हैं मिस्टर जगराज। आपको 2 करोड़ के सोने का जो कुछ करना है करते रहिए। गो! जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। पाप की दुनिया में जगराज के बारे में कहा जाता है कि पाप जगराज से ही शुरू होता है और जगराज पर ही आकर खत्म होता है। वीरू ने हमसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी जिंदगी को बहुत छोटा बना लिया है। मरने वाली इस जगह पर वीरू की मौत की तारीख हम लिखेंगे, और वो भी उसी के खून से। यू ऑल मैसिव स्टूपिड विल, यू आर अ डॉग। वेल डन, वेल डन। वीरू साहब, 2 करोड़ का सोना देखकर भी तुम्हारी नियत नहीं बदली? हम काला धंधा करने वालों का साथ जरूर देते हैं, लेकिन हमारा दिल काला नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये रहा तुम्हारा 2 करोड़ का 20% कमीशन। इन्हें गाड़ी तक छोड़ दो, और अब मैं किसी दूसरे से नहीं मिलूंगा, समझ गए? जाओ। शोभराज साहब, हमारा बॉस जबान का बहुत पक्का है। प्लीज हेल्प मी।
टेबलेट खा लो, बदन में जहर नहीं फैलेगा। मेरा रोजा टूट जाएगा, मैं इफ्तारी से पहले कुछ नहीं खा सकता बॉस। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए ये जरूरी है। मौत के डर से अगर रोजा तोड़ दूंगा तो फिर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? खड़ियाली, गोली तो निकालनी होगी ना। बस कुछ देर और रुक जाओ दादा, रोजा खोलने का वक्त बिल्कुल करीब है। इस गोली के साथ मेरी चंद सांसें रुकी हैं और मैं रोजा पूरा करके मरना चाहता हूं। मरने से पहले इस बात की खुशी है कि मैंने अपने यार को एक अच्छा इंसान बनते हुए देख लिया, लेकिन एक हसरत दिल में रह गई। जिस रेखा बहन की शादी 50 लाख का इंतजाम करने मेरा यार वीरू निकला है, उस रेखा बहन की शादी में मैं शरीक नहीं हो सकूंगा। रोजा इफ्तारी का वक्त हो चुका है बॉस। लगता है कहीं आसपास ही मस्जिद है। मेरे मोहसिन, मुझे आखिरी बार अपने हाथों पर उठाकर अल्लाह के घर तक ले चलो।